किसी मेरे लाइफ में अगर देखा जाए तो बंगाली हो या हिंदी हो, मैंने जितना भी पिक्चर किए हैं जो भी रिलीज़ होगा उसमें से सबसे बड़ा फिल्म है ये, जिसको प्रोड्यूस किया है बाबू त्यागी ने। हम लोग अगर नहीं जानते तो मैं बोल देती हूँ, बाबू त्यागी काम करते सलमान खान के साथ, सलमान खान का जितना भी स्टंट होता है वो बाबू त्यागी की छोड़कर नहीं होता। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सलमान खान का किक बोलो या एक कुछ भी पिक्चर हो, चाहे दबंग 3 आ गया, सब में उसका स्टंट बाबू त्यागी करते हैं। तो उनका पिक्चर जब बनने के लिए गए हम लोग तो जितने भी ब्लास्ट हुआ है पहले तो वो देखना चाहिए सबको जाके, एक्चुअल ओरिजिनल ब्लास्ट करके वो सीन किया गया है। बहुत रिस्क लेके हम लोगों ने किया है वो सीन। सिलवासा में हम लोगों का शूट हुआ था, करीबन 1 महीने तक हम लोग वहाँ पे थे। अभी तो ठंड नहीं है, फिर उस टाइम हम लोग अगर 2019 की बात करते तो एकदम पूरा दिसंबर में ख़त्म होता है और जनवरी में हम लोगों का शूट चालू हुआ था। बहुत ठंड था फिर भी सुबह 5 बजे उठ के एवरी टाइम कॉल टाइम पकड़ लो या कुछ भी प्रॉपरली करना, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें। और इसका सबसे बड़ी बात है पूरा पिक्चर में आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बाद ये क्या होने वाला है, इतना ट्विस्ट है उसमें। क्यों, लोगों को दिमाग तो होना चाहिए उस पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि वो अगर ठीक से कंटिन्यूसली मतलब कॉन्सेंट्रेट करके नहीं देखेंगे तो वो पिक्चर पता नहीं चलेगा कि आगे जाके क्या होगा, आगे क्या होगा, बाद में क्या होने वाला और आगे क्या हुआ। तो पूरा पिक्चर ठीक से देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि सब कैरेक्टर बदलता है धीरे धीरे, सब कैरेक्टर मतलब इसमें कोई कैरेक्टर कोई फिक्स नहीं है, कोई नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाते हैं, कोई पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाते हैं, कोई प्यार में तो प्यार से निकल जाता है, कोई प्यार से नहीं थे तो प्यार में आ जाता है। तो इससे बहुत कुछ है, जब जिसको विलेन बना जाता है वो विलेन नहीं होता है, बाद में देखा जाता है कोई और विलेन है। तो पूरा पिक्चर देखना चाहिए। और इसके सबसे बड़ी बात है जो क्लाइमेक्स, बहुत जमदार क्लाइमेक्स है, मेरे लाइफ में मैंने पहली बार किया है और मैंने भी थोड़ा ढिसुम ढिसुम किया है उसमें। चलो देखते हैं अल्लाह खातिर क्या होता है। तो जाल में आपने कितने रूप बदले हैं? जाल में मैं एक अपने पापा की लाडली बेटी हूँ, कुछ भी करने मतलब मेरे पापा मेरे खुशी के लिए बहुत कुछ करते। मैं किसी के प्यार में पड़ जाती हूँ, पता चलता है कि झूठा था, पर झूठा पता चला बहुत टाइम बाद। मैंने शादी के लिए बोली पर उन्होंने मना कर दिया, बाद में पता चला कि उनको किसी ने कैद कर लिया है। फिर उनको बचाने के लिए मुझे पैसे लेके जाना पड़ता है। अब खेसारी लाल जी के बहुत बड़े रोल है इसमें, वो चोर है इसमें, इंस्पेक्टर भी बन के जाता है फिर भी पता चलता है बाद में वो चोरी है, वो चोरी करने के लिए इंस्पेक्टर बन के जाता है। तो वहाँ से खेसारी लाल को जब प्यार हो जाता है मुझ में, पर उसके बाद उनको पता चलता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो उनको लगता है कि चलो उनके प्यार के साथ उनको मिलाया जाए। तो मुझे और मेरे प्यार को मिलाने के खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया। और धीरे धीरे यही से ट्विस्ट आना चालू किया, जब मैं देखती हूँ कि यार जिनको मैं छोड़ के गई वही मेरे लिए इतना कुछ करे, तो धीरे धीरे लड़की के मन बदलते हैं और धीरे धीरे उनसे प्यार हो जाता है। बहुत अच्छा अच्छा गाना है, बहुत मतलब कानू सर रिकी सर बहुत अच्छा अच्छा कोरियोग्राफर है इसमें, बहुत अच्छा डांस कोरियोग्राफी की है। यही है। और धीरे बाद में तो ऑलरेडी जैसे कि पिक्चर है तो हीरो हीरोइन तो मिलेगा ही अल्टीमेटली एंड में जाके। सच में इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड वेरी मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छे कोऑपरेटर है। मतलब कुछ नए अगर कुछ सीखना है तो वो हेल्प करता है, मुझे किया भी है और शायद आगे भी अगर काम करेंगे तो ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छे इंसान है, सबसे बड़ी बात है खाना खाया है नहीं, ठीक से सोया है नहीं, इतना भी पूछता है। और अगर ड्रेस का भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देता है भाई इनको ऐसे ड्रेस मिला, मतलब उनको नॉट ओनली मी मतलब पूरा यूनिट के तरफ से उनको ध्यान जाता है कि कौन क्या सब ठीक है, खाना खाया जो भी सीन करना है पहले खाना खाओ उसके बाद जो करना है ना। और एज ए को आर्टिस्ट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कुछ डायलॉग में अगर डेफिनेशन आना चाहे तो मैं उनके साथ बैठ के बात की है कि इसको कैसे बोला जाता है। जैसे कि एमआई राज भी मतलब राज सर जो डायरेक्टर है उसने भी बहुत हेल्प किया है और खेसरी लाल जी भी बहुत मुझे हेल्प किया है डायलॉग बोलने में एटलीस्ट। मतलब निगमाई राज जी इज़ अ
मतलब क्या बताऊँ, आज तक मैं पहली डायरेक्टर देखी हूँ जिन्होंने मुझे बिना देखे सिलेक्ट किया। सच में देखा जाए एक साजी जाल के लिए मुझे फ़ोन किया गया बॉम्बे से, मैं कोलकाता में थी और सिर्फ फ़ोन में ही बात हुआ है, उन्होंने फ़ोन में ही पिक्चर भेजने के लिए बोला, मैंने फ़ोन में भेज दिया और वहीं से सिलेक्ट हो गया और डायरेक्ट सेट पे मिले हम लोग। पर बाद में पता चला कि जैसे मैं कुली नंबर 1 कर चुकी थी तो उन्होंने बहुत लोगों को फ़ोन करके पूछा है मेरे बारे में कि मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ, मुझे डांस आता है नहीं, तो ये सब पूछने के बाद उन्होंने कन्फर्म किया था। और अगर ऑन स्क्रीन बात बोला जाता है, इज़ अ वेरी कॉपरेट पर्सन, कई गलती भी हो जाता है तो बोलता है चलो कोई बात नहीं आराम से कर लेते, मतलब हम लोग डर जाते हैं यार ये गलती हो गया तो हम लोग सॉरी सॉरी बोल देते थे, पर फिर भी उन्हें बोलते नहीं सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, हो जाता है गलती, चलो कोई बात नहीं। और ऑफ स्क्रीन तो हम लोग मस्ती मजाक करते करते कब का शूट ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आज सुबह से हम लोगों का 4 सीन खत्म हो गया ऑलरेडी, देखते देखते पता भी नहीं चला। इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी गुड पर्सन। अभी तो ये पिक्चर शूट होने के बाद मेरा और एक पिक्चर शूट शुरू होगा बनारस में, पर उसके ऑपोजिट भी कौन है वो अभी नहीं रिवील कर सकती मैं, आगे लोगों को पता चलेगा।